हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम का जो नया फीचर्स आया है म्यूजिक वाला, वो आप इनेबल कैसे कर सकते हो, उसको यूज कैसे कर सकते हो, सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है। तो अभी हम चलते हैं इंस्टाग्राम में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये म्यूजिक टैब को आप फीचर्स को आप इनेबल कैसे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम ऐप सर्च करना है, इसको पहले अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको दूसरे काम करना रहता है। अपडेट करने के बाद अगर आपको फीचर्स आ जाता है यहाँ पे म्यूजिक सेक्शन वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक सेक्शन वाला, अगर म्यूजिक वाला टैब आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको और एक काम करना रहता है। तो जैसे कि आपको फिर प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेक्शन पे जाना है। अकाउंट सेक्शन पे जाने के बाद लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करना है। लिंक्ड अकाउंट पे जाने के बाद आपको फेसबुक से आपको इंस्टाग्राम को लिंक करना रहता है, जिससे आप लिंक करोगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे हेल्प के सेक्शन पे जाना है। हेल्प के सेक्शन पे जाने के बाद रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेंड फीडबैक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपका जो भी कंसर्न है आपको यहाँ पे डालना है कि हमें अभी तक म्यूजिक टैब वाला फीचर से अभी तक नहीं मिला है, आप प्लीज इसको इनेबल कीजिए। और यहाँ पे आपको उसका जो भी आपके अकाउंट का है स्क्रीन शॉट यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे, एक या दो दिन के अंदर ही आपका ये म्यूजिक टैब वाला जो भी म्यूजिक फीचर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे इनेबल किया जाता है। सेम मेरे पे भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी सेम यही चीज़ किया था। मुझे भी पहले ये फीचर्स नहीं मिला था, तो जैसे मैंने फीडबैक वगैरह किया, ये एक या दो दिन के अंदर ही मुझे ये फीचर्स मिल गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो आप जैसे म्यूजिक टैब पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी सबसे पहले हम अभी इसको फोटो कैसे निकालेंगे। अभी आपको किसी भी फोटो पे गाना वगैरह डालना है तो भी आप इसके डाल सकते हो, या आपको दूसरे म्यूजिक में जाके आपको वीडियो डालना हो तो भी आप डाल सकते हो। तो अभी हम इसमें फोटो निकालेंगे, इस कैमरे का फोटो निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे जाएंगे। म्यूजिक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी गाना पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि ओके। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप जो भी लेयर वगैरह पसंद है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और कौन सा आपको कहाँ से म्यूजिक स्टार्ट करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपने सिलेक्ट वगैरह किया, उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड टू पे क्लिक करना है। सेंड टू पे आप जैसे आप क्लिक करोगे और आपको शेयर पे क्लिक करना है, तो आपका ये म्यूजिक तो ये आपका स्टोरी पब्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।